सब्सक्राइब कीजिए रमन क्लासेस यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। कैसे हैं आप लोग, रमन क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 3/28/1/2018 को पंचायत सचिव का। जैसा कि एग्जाम हो गया है आपका, तो उसके अंतर्गत हम लोग जीके के सारे पार्ट को देखेंगे, जिसमें कि आपका झारखंड जीके, जनरल जीके, कंप्यूटर और टंकन के कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, है कि समाज के समाजवादी पैटर्न की स्थापना के आह्वान के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना कहा जाता है, डैश है, तो ये आपका देखिए बी होगा, महानलोबिस योजना। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपका कि ब्रांड नाम मोमेंटम झारखंड के साथ ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2017 कहाँ हुआ था, तो ये आपका रांची में हुआ था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स EAPI 2017 में भारत का स्थान क्या रहा, तो देखिए सी नंबर होगा आपका 87। चलिए आगे आपका कि अदानी पावर कंपनी झारखंड में अपने बिजली संयंत्र से 1600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति किस देश को करेगा, तो वो बांग्लादेश को करेगा। चलिए आगे है आपका कि झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है, तो पश्चिम बंगाल है, सी नंबर इसका आंसर होगा। चलिए छह नंबर हम लोग देख लेते हैं कि डैश वह राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है, तो ये आपका झारखंड सही आंसर होगा, बी नंबर। चलिए सात नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर सबसे अधिक शक्तिशाली है, तो सुपर कंप्यूटर, ए नंबर आंसर होगा इसका। चलिए आगे है आपका कि WHO ने दिसंबर 2017 में डैश को पोलियो मुक्त देश घोषित किया, तो आपका ए नंबर होगा, गैबन। चलिए आगे है आपका कि पी साई किरण जिन्होंने नासा मून प्राइज आपका जीता है, तो आपसे पूछा गया कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो आपका कर्नाटक, ए नंबर होगा सही आंसर। आगे आपका है कुड़ुख भाषा से संबंधित आपका इसमें दिया हुआ है पॉइंट, तो पूछा गया कि इनमें से कौन सा सही है, तो देखिए आपका ये तीनों सही है। थोड़ा सा जान लीजिए इसमें क्या क्या बोला गया है। देखिए झारखंड ने कुड़ुख को एक भाषा के रूप में मान्यता दी है और छात्र अपने स्कूल की अंतिम परीक्षा में इस लिपि को लिख सकते हैं। दूसरा आपका कुड़ुख की लिपि को तोंगांग सिक्की भी कहा जाता है और कुड़ुख जो है तभी परिवार के एक जनजाति भाषा है, तो ये आपका सभी होगा इनमें से। चलिए 11 नंबर है आपका कि किसी वेबसाइट में प्राय आप जो फर्स्ट पेज देखते हैं उसे क्या कहते हैं, ये होम पेज कहते हैं, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था इसका। चलिए आगे है आपका कि रणजी ट्रॉफी 2016 में के मैच में झारखंड ने निम्नलिखित में से किसने दोहरा शतक लगाया था, तो देखिए ये आपके ईशांत किशन ने, सी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए 13 नंबर देखिए कि सोन नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा गया है कि कौन सा है, ये आपका अमरकंटक पहाड़ी, ए नंबर सही आंसर होगा। 14 नंबर आपसे पूछा गया है कि कौन सा फंक्शन की आपका कि कंप्यूटर को सीधे सेफ मोड में बूट करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो आपका F8 होगा, बी नंबर इसका। चलिए आपसे IEL एक्सप्लोसिव लिमिटेड झारखंड में कहाँ स्थित है, ये आपका गोमियो में है, ए नंबर, बी नंबर आंसर। चलिए आगे आपका कि 16 नंबर है कि 2016 में निम्नलिखित में से किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, तो देखिए ऑप्शन है आपका कि बलवीर दत्त, सिमन उराव या रामदयाल मुंडा या फिर मकरध्वज दरोगा, तो देखिए इसमें आप कन्फ्यूज मत होइए, ये बी नंबर होगा, सिमोन उराव को 2016 में मिला है, 2017 में भी मिला है, तो वो बलवीर दत्त और मुकुंद नायक को, तो देखिए इसका पद्मश्री लेकर के हमने एक वीडियो भी अवार्ड लेकर के बनाया है, तो आप उसको एक बार जरूर देख लीजिए, उससे आपका एक दो क्वेश्चंस आपका आएगा। चलिए आगे आपका घूमर जो है डैश पारंपरिक और उत्साहिक लोक नृत्य है, कौन सा स्टेट का है, ये राजस्थान। 18 नंबर क्वेश्चन है एक ही समय विविध प्रोग्रामों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की योग्यता को क्या कहते हैं, तो देखिए ये आपका मल्टीटास्किंग कहते हैं, ये भी मेरा वीडियो में ये डिस्कस हुआ ऑलरेडी, आप लोग कंप्यूटर का देख लीजिएगा इसमें। चलिए आगे है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला बिहार के सीमा से नहीं लगता, तो देखिए ये ऑप्शन कुछ गलत दे दिया है आपका, तो देखिए ये आपका सी और डी होगा, दोनों होगा आपका जो कि बिहार का सीमा से नहीं लगता है, तो देखिए इसमें आपको ग्रेस मिल जाएगा ये क्वेश्चन या फिर ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। चलिए आगे आपका कि 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंचा, तो आपका ये झारखंड होगा, डी नंबर ऑप्शन। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी 2017 में CISF के पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय का उद्घाटन और CISF आवासीय परिसर का शिलान्यास किसने किया था, तो ये राजनाथ सिंह, बी नंबर होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, झारखंड को स्थानीय स्तर पर इसके समृद्ध खनिज और वन संसाधनों के लिए किस रूप में माना जाता है, तो इसको वनांचल के रूप में माना जाता है, बी नंबर इसका। चलिए आगे आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ईमेल ग्राहक कौन है आपका इनमें से, तो ये देखिए ये आपका ये
सब हो सकता है। चलिए डी नंबर इसका सही आंसर है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, सी में वैसे लगा हुआ लेकिन सारा इसमें हो सकता है, डी नंबर। ठीक है कि 25 नंबर, इनमें से कौन से शहर में कम्युनिकेटिंग इंडिया विषय 2017 पर राष्ट्रीय सम्मेलन आपका हुआ था, तो ये आपका ए नंबर दिल्ली, नई दिल्ली में हुआ था। चलिए पीडीएफ का आपका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये है आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ए नंबर। चलिए उसके बाद पूछा है आपका कि जो व्यक्ति किसी कंप्यूटर सिस्टम में अवैध रूप से पहुंचा बना देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो देखिए वो आपका सी नंबर, उसे हैकर कहते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन में प्रायः प्रयुक्त होने वाला प्रोग्रामिंग भाषा निम्नलिखित में से कौन सा है, तो ये जावा होगा, डी नंबर। देखिए ये क्वेश्चंस भी हमने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। चलिए आगे है आपका कि अंग्रेजों के विरुद्ध 1831 में विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन सा छोटा नागपुर के कबीलों ने भाग लिया था, तो हो और मुंडा, ये आपका ए नंबर होगा। चलिए आगे है आपका कि कौन सी क्रिकेट टीम ने 2017 की देवधर ट्रॉफी जीती, तो ये आपका तमिलनाडु सही होगा, बी नंबर। चलिए आगे आपका कि निम्नलिखित में कौन उलगुलान विद्रोह से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका डी नंबर, बिरसा मुंडा। चलिए आगे आपका एल्बर्ट एक्का के मरणोपरांत किस गैलेंट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था उनका, तो परम वीर चक्र। तो देखिए मेरा जो अवार्ड का जो पिक्चर देखे होंगे जो वीडियो, तो उससे आप देखिए 3 से 4 क्वेश्चंस आया हुआ है, तो वो जरूर किए होंगे, तो जो नहीं देखे हैं आगे का एग्जाम के लिए वो जा करके जरूर देख लें, और भी क्वेश्चंस आपका एग्जाम में आ सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए 33 नंबर है, किसी कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने के लिए एक गुप्त शब्द या अंक डैश कहलाता है, तो आपका पासवर्ड कहलाता है, ए नंबर। चलिए आगे आपसे पूछा गया कि अधिकतर उत्पादों पर मुद्रित लाइनों की पद्धति को बारकोड कहते हैं, डी नंबर होगा, 34 का डी। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि भूमि जल संसाधन जिसको आपका रिफ्रेश वाटर रिसोर्स किस नदी के घाटी से सर्वाधिक होता है, तो आपका देखिए ए नंबर गंगा होगा सही आंसर इसका। चलिए कंप्यूटर से क्वेश्चन फिर आपका है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा फैलने वाला वायरस को क्या कहते हैं, तो आपका ये बी नंबर मैक्रो वायरस कहते हैं। चलिए देखिए आपका ईमेल का सही प्रारूप कौन सा है आपको इसमें से बताना है, तो देखिए ये आपका बी नंबर होगा, पहले नाम होता है उसके बाद @, उसके बाद आपका जो मेल है, जो आपका जो जिस मेल में आपका है वो उसका नाम होता है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराया हुआ है, कंप्यूटर में जो देखे होंगे वीडियो वो जरूर किए होंगे। चलिए आगे है आपका, झारखंड में निम्न में से किस स्थान पर लो एक्स का खदान स्थित है, देखिए ये आपका सिंहभूम में है, तो ये आपका बी नंबर होगा सही आंसर, सिंहभूम, लेकिन पश्चिमी सिंहभूम में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका, तो बी नंबर सही आंसर है। चलिए आगे आपका, झारखंड के कौन से जिले में टैगोर पहाड़ी स्थित है, ये आपका रांची में। तो देख लीजिए झारखंड का जितना भी क्वेश्चंस आया हुआ है, जो भी मेरा वीडियो देखे होंगे लगभग क्वेश्चंस आपका वहाँ से मिल जाएगा आपको डायरेक्टली, जो देखते होंगे वीडियो वो जरूर क्वेश्चंस किए होंगे। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं 40 नंबर, विक्रम सेठ की पुस्तक आपको पूछा गया कौन सा है, तो सी नंबर होगा, सुटेबल बॉय। चलिए पंचायती राज के बारे में क्वेश्चन है आपका कि पंचायती राज निकायों में महिलाओं के सीटों के आरक्षण टेस्ट को सुनिश्चित करना चाहता है, तो देखिए ये मेरे हिसाब से आपका डी होना चाहिए, आप लोगों को कुछ यदि इसमें डाउट लग रहा है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। ठीक है डी नंबर होगा, एक व्यक्ति के रूप में महिलाओं का सशक्तिकरण। चलिए 42 नंबर देखिए, इसमें है आपका कि झारखंड में एक मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया था, वो पूछा है, जिसमें कि 6,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना थी, तो आपका बी नंबर। तो देखिए इसका आपका बी नंबर सही आंसर होगा हरसिमरत कौर बादल। चलिए आगे आपका कि अशोक मित्रान कौन सी भाषा के प्रख्यात साहित्यकार थे, तो आपका वही बी नंबर होगा, तेलुगु। चलिए ONGC द्वारा आपका मिथेन कुआं झारखंड में किस स्थान पे आपका शुरू किया है, तो आपका वो गोमियो, ए नंबर। चलिए आगे है आपका कि झारखंड के एक प्राचीन संस्कृति विरासत निम्नलिखित में कौन सी है, तो आपका छऊ है, छऊ बी नंबर। चलिए आगे आपका निम्नलिखित में इनमें सबसे कम मात्रा में स्टोरेज किसकी होती है, तो आपका बाइट की होती है, डी नंबर। चलिए कंप्यूटर का कौन सा भाग जानकारी को स्टोर करने के लिए सहायक होता है, वो आपका डिस्क ड्राइव, बी नंबर। चलिए आगे पूछा आपका कि 2017 में RBI के डिप्टी गवर्नर के रूप में किन्होंने पदभार ग्रहण किया, वो आपका सी नंबर होगा, BP कानूनगो। चलिए आगे आपका कि 15 अक्टूबर को किनका जन्म मनाया जाता है आपका, तो आपका APJ अब्दुल कलाम, ए नंबर सही आंसर है। चलिए
आगे है आपका कि पहाड़ी भाषा की जो लिपि है वो उसका कौन सी लिपि है आपको ये बताना है। तो ये देखिए आपका डी नंबर होगा, टंकरी लिपि। चलिए आगे पूछा गया आपका कि एमएस वर्ड में मार्जिन तथा किसी पैराग्राफ को प्रारंभ के बीच के स्थान को क्या कहते हैं, तो आपका डी नंबर अलाइनमेंट कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जाता है, तो दो, सी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए 53 नंबर देख लेते हैं, किसी देश की आर्थिक विकास को डैश से मापा जा सकता है, तो आपका सी नंबर होगा, राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि। चलिए 54 नंबर में देखिए, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान डैश स्थित है वो आपका हैदराबाद में होगा, बी नंबर। चलिए आगे है आपका कि गुजरात की पहली महिला डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किसे नियुक्त किया गया है अभी, तो आपका गीता जौहरी, सी नंबर। चलिए आगे है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है, तो वो आपका डी नंबर होगा, वायरस डिटेक्शन। चलिए आगे है आपका कि पुस्तक वी द पीपुल इंडिया द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लेखक कौन है, तो एन ए पालविकी वाला, डी नंबर इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे है आपका IRC का आपका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो ये होता है आपका इंटरनेट रिले चैट। चलिए 59 में पूछा गया है कि आपका कि कौन सी यूरोपीय राजधानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का केंद्र है, तो आपका है ब्रसेल्स बेल्जियम। लुसेंग त्योहार जो है कहाँ पे मनाया जाता है, वो आपका सिक्किम में, बी नंबर। चलिए आगे है आपका कि 2017 का इंटरनेशनल माइंड अवेयरनेस डे का आपका थीम क्या था, तो देखिए ये आपका, चलिए इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर होगा, नीड्स ड्रिवन पीपल सेंटर्ड। चलिए आगे है आपका कि ओलान बाहा किताब जो जोबा मोमो की रचित है तो आपका क्या है वो, तो आपका सी नंबर, वो लघु कथाएं हैं। देखिए इसका भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें ये डिस्कस किया हुआ था। चलिए आगे है आपका, चलिए आगे है आपका कि मुंडा बगावत जो हुआ था वो किस प्रकार का आंदोलन था, तो आपका वो ट्राइबल मूवमेंट था, तो बी नंबर होगा आपका, कबायली आंदोलन आंसर इसका। चलिए आगे है आपका कि झारखंड के किस व्यक्ति को अप्रैल 2015 में फ्रांस का सर्वोत्तम सिविलियन अवार्ड जो है ऑफिसर ऑफ द लीजेंड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, तो आपका यशवंत सिन्हा, ए नंबर होगा सही आंसर। चलिए आगे है आपका कि झारखंड के तलैया अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना में अनुमानित क्षमता कितना है आपका बिजली का, वो पूछा गया है, तो आपका है 3960 मेगावाट, आपका बी नंबर सही आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका कि डैश को 2016 के लिए विश्व में विजडन लीजेंड क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आपका विराट कोहली। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही उपलब्ध नहीं हो तो भारत के राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन कौन करेगा, तो आपका सी नंबर, भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का आपका अवधि पूछा है, तो आपका वो सी नंबर होगा, 56 से लेकर के 61 तक। तो आगे आप जितना है अवधि तक जरूर याद कर लीजिए, पंचवर्षीय योजना का पूछ सकता है क्वेश्चन में। चलिए आपका 69 क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का पहला यूनियन बजट जो है किसने प्रस्तुत किया था, तो आपका डी होगा, आर के सन्मुखन चेट्टी का है। पानी का भारी धातु का प्रदूषण डैश के कारण होता है, तो औद्योगिक जलमल। चलिए आगे आपका एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है जिसमें कि आपका शॉर्टकट की पूछा है कि हाइपरलिंक बनाने हेतु क्या किया जाएगा शॉर्टकट, तो आपका बी नंबर, Ctrl+K। चलिए उड़ीसा के बारे में पूछा गया कि उड़ीसा के राजा जय सिंह देव को डैश ने अपने लोगों के द्वारा झारखंड के शासक के रूप में स्वीकार किया, कौन इसमें पूछा आपका, तो ये देखिए ये हमें कन्फर्म होता नहीं है, 13वीं शताब्दी इसका हो सकता है, आप लोग को ये लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको लिख के भेजिएगा। चलिए 73 है आपका कि डैश त्योहार शक्ति युवा अवस्था और यौवन देवता को पूछता है, तो आपका देखिए बी नंबर होगा, जावा पर्व जो है वो आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे है आपका कि सर्वर को वेरिफिकेशन करने के लिए आपको जो एक लॉगिन नाम एवं पासवर्ड की प्रक्रिया की पुष्टि को क्या कहते हैं, तो आपका देखिए प्रमाणिकता कहते हैं, ऑथेंटिकेशन इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे है आपका कि किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के चित्र यानी पिक्चर को आप यदि काटते हैं तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आपका क्रॉपिंग। चलिए आगे आपका कि झारखंड में अभी तिरंगा झंडा जो बहुत ऊंचा फहराया गया था, तो वो पूछा गया था आपको कहाँ पे आपका है वो स्थित, आपका रांची होगा ये आपका। चलिए झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र का आपका पूछा गया है कितना लाख हेक्टेयर है, तो आपका होगा याद रखिएगा
79.70 लाख हेक्टेयर। चलिए आगे है आपका कि अक्टूबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा चुने गए पहले सत्याग्रही कौन थे आपका, तो बी नंबर होगा विनोबा भावे। चलिए क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस राज्य में क्रमशः झरिया, रानीगंज, तालेचर और कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है। देखिए आपका बी नंबर होगा झरिया, देख के ही हम मारिए कि झरिया झारखंड में, उसके बाद आगे आपका ये सब अलग अलग स्टेट में है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है 2016 तक झारखंड में कितने लाइमस्टोन खदान थे, तो ये देखिए मैंने देखा था तो 17 आप कहीं कहीं मिल रहा है, तो आपका 17 होना चाहिए। चलिए आगे आपका निम्नलिखित में कौन सा आपका डाटाबेस वस्तु नहीं है, तो आपका देखिए कर्सर जो है वो डाटाबेस नहीं है, बाकी बात आपका डाटाबेस है। चलिए क्वेश्चन है कि झारखंड में किसने गंगा कार्यक्रम हेतु ग्रामीण स्वच्छता पहल कदमी की थी, तो उमा भारती ए नंबर सही ऑप्शन है आपका। चलिए यूरेनियम जो है आपका यूरेनियम लिमिटेड का आपका पूछा गया है कि कब निर्मित किया गया था आपको, तो 1967 में, बी नंबर सही है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका कि कार्तिक माह की अमावस्या को कृष्ण पक्ष में कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो आपका वंदना मनाया जाता है, सी होगा सही आंसर। तो चलिए आगे है आपका कि निम्नलिखित पोर्ट्स में कौन सा अधिकतम डेटा ट्रांसफर करता है, इसमें देखिए सब पोर्ट है तो उसमें पूछा है सबसे ज्यादा डेटा ट्रांसफर किसमें होता है, तो आपका थंडर बोल्ट में ए नंबर सही आंसर है। चलिए असेंबली भाषा में प्रयुक्त होने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं, निमोनिक्स। 7 देखिए ये क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चंस को, उनको आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में इसका क्या होगा। चलिए 88 क्वेश्चन है आपका कि डैश को भारत के करेंसी नोट छापने का अधिकार है, तो देखिए ये RBI को। चलिए आगे क्वेश्चन है इंटरनेट में किस प्रकार का स्विचिंग का प्रयोग होता है, तो ये आपका पैकेट का प्रयोग होता है। चलिए आगे पूछा गया है कि द्रविड़ परिवार भाषाओं के अंतर्गत ये कौन नहीं आता है आपका, तो देखिए ये मुंडारी जो है ये द्रविड़ भाषा के अंतर्गत नहीं आता है। आप लोग जो भी मेरा वीडियो देखे होंगे ये क्वेश्चन तो जरूर किए होंगे, बहुत बार मैंने ये क्वेश्चन को करवाया आप लोगों के पास। चलिए आगे है आपका कि झारखंड राज्य में खिलाड़ी के लिए कितना परसेंट का आरक्षण देती है, तो 2% का, बी नंबर इसका सही आंसर है। चलिए आगे पूछा गया है आपका कि झारखंड जिले का ताना भगत रैयत कृषि भूमि मरम्मत अधिनियम बिहार राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, तो आपका 1948 ए नंबर होगा। चलिए आगे पूछा है आपका कि 1830 में झारखंड एवं समवर्ती क्षेत्रों के आदिवासियों भारत एवं कौन से विभिन्न भागों में चले गए, तो ये देखिए आपका ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग इसको यदि कुछ डाउट लगता है तो इसमें आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं आपका कि कौन सी भारतीय हस्ती 2017 में ढाका के इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU के 136वें असेंबली में भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। देखिए आप ऑप्शन से ही आप लोग जा सकते हैं इसको, तो ये आपका बी नंबर होगा सुमित्रा महाजन, पार्लियामेंट्री से संबंधित है सुमित्रा महाजन, इसका राइट ऑप्शन है बी नंबर। चलिए आगे जो है आपका कि इसमें पूछा गया है आपका कि किसने संताली साहित्य को समृद्ध करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, तो आपका इसमें देखिए ए नंबर आपका होना चाहिए, माझी रामदास टुडू रुस्का। चलिए आगे आपका कि स्ट्रोक किसे कहते हैं, चलिए ये अब टंकन का क्वेश्चन आ गया तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। स्ट्रोक किसे कहते हैं, तो देखिए कीबोर्ड पर अंगुलियों के संचालन को हम लोग स्ट्रोक कहते हैं, ए नंबर होना चाहिए। चलिए हम लोग 97 पे देख लेते हैं, देखिए इसमें बोला गया कि प अक्षर जो है कंप्यूटर के कीबोर्ड पे किस अंगुली से टाइप किया जा सकता है, तो देखिए डी नंबर इसका होना चाहिए, दाई मल्लिका। चलिए आगे आपका कि काली घटा का घमंड घटा, तो इस जो मुहावरे का आपका की बटन कितना प्रयोग होगा, तो देखिए इसको गिनिएगा तो देखिए आपका 20 आ रहा है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा गिन के कितना आता है, ठीक ना, तो 20 होना चाहिए इसका, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। 99 क्वेश्चन है शिफ्ट प्लस U का बटन का आपका सही विकल्प कौन सा होगा, तो ये आपका डी नंबर होगा, ड। चलिए आगे है आपका कि 3 को टाइप करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, यह तो आपका इजी है, ऑल्ट प्लस 0133। चलिए आगे आपका कि वे वर्ण जिनके अर्धाक्षर को कीबोर्ड पे ना हो टाइप करने के लिए हलंत का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कितने स्ट्रोक गिने जाएंगे, तो आपका ए नंबर 2 स्ट्रोक होना चाहिए। चलिए आगे है आपका कि ब्रैकेट दिया हुआ है इसको आपको टाइप करने के लिए शॉर्टकट की आपको बताना है, तो आपका बी नंबर, ऑल्ट प्लस 188 और ऑल्ट प्लस 189। चलिए आगे आपका कि बाईं ऊपरी तर्जनी इंडेक्स और मध्यिका मिडिल अंगुली पर आपके आने वाले अक्षर कौन सा होगा, तो देखिए ये आपका 103 का सी नंबर होना चाहिए। चलिए
104 हम लोग देख लेते हैं। अस्पर टंकन पद्धति को वैज्ञानिक क्यों कहा गया है? तो इस पद्धति द्वारा गति तीव्र की जा सकती है, इसलिए कहा है इसको। तो ए नंबर इसका होगा। 105 का देखिए आपका, कि आपको बोला गया है कि म अक्षर को की बटन के पहले आता है, तो आपका देखिए वो जो है वो आपका बी नंबर होगा सही आंसर। चलिए आगे है आपका कि टाइपिंग स्पीड निकालने की रीतियों के नाम पर सही विकल्प चुनिए, तो आपका सी नंबर होगा, स्ट्रोक गणना और शब्द गणना। चलिए जो अक्षर को टाइप करने के लिए सही विकल्प आपको बोला गया इसमें कौन सा होगा, तो लॉ की बटन के पहले आपका ये जो आता है। चलिए हाशिया जो है मार्जिन कितने प्रकार का होता है, तो देखिए तो हमने कहीं खोजा तो आपका बी नंबर 4 मिला। चलिए 4 होगा इसका सही आंसर। तो चलिए 9 नंबर देख लीजिए कि व्यापारिकों और ग्राहकों के लिए कौन सा पत्र का व्यवहार किया जाता है, तो ये आपका बिजनेस लेटर होगा सी नंबर। चलिए आगे आपका आगरा शब्द में ग अक्षर को टाइप करने के लिए, तो आपका बी नंबर होगा, बाईं मादि का अंगुली के नीचे जितने हैं उसमें टाइप करेंगे। चलिए आगे आपका 111 जो 111 चलिए हमको कहीं मिला नहीं, आप लोग इसको बताइए कहाँ पे होगा 111 का सही आंसर क्या होगा। चलिए 112 मैं आपको बता देता हूँ, देखिए राम शब्द के लिए आपको कौन सा बटन यूज करना है, तो आपको देखिए सी नंबर होना चाहिए, दाई तर्जनी, दाई मादिका और बाई मादिका, तो सी नंबर इसका सही ऑप्शन है। चलिए आगे पूछा आपका शॉर्टकट की पूछा है, शिफ्ट प्लस जीरो से आप कौन सा बटन का विकल्प चुनेंगे, तो द्वह जो है आपका सी नंबर। चलिए आगे आपका 114 इन्वर्टेड कोमा कितने प्रकार का होता है, तो ये आपका दो प्रकार का होता है सी नंबर होगा। 115 का देखिए आपका जो ब्रैकेट है पूछा गया है शॉर्टकट की क्या होता है, तो ऑल्ट प्लस 192। चलिए आगे पूछा गया है आपका कि अंकों के अल्प विराम और स्लैश के लिए प्रयोग कितने स्पेस होना चाहिए, तो देखिए ये क्वेश्चन हमने आपको डिस्कस करवाया था उस दिन न्यू पैटर्न का वीडियो में, तो आपका डी नंबर इसका सही आंसर होगा, 116 का डी। चलिए आगे पूछा गया कि पूर्ण विराम को टाइप कैसे किया जाएगा, तो आपका शिफ्ट प्लस पाई कनिष्ठा। चलिए आगे आपका ए आओ और आओ को टाइप करने के लिए कितने स्ट्रोक का प्रयोग हम लोग करेंगे, तो आपका एक स्ट्रोक का बी नंबर। चलिए बाई अंगुली से आपका पूछा गया है, बाई अनामिका रिंग से अंगुली को पे ले जाने के लिए कौन कौन सा अक्षर इसमें होगा सही, तो आपका देखिए सी नंबर सही आंसर है। चलिए 120 हम लोग देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि 10 मिनट में आपको 2000 स्ट्रोक टाइप किए हैं जिसमें कि कुल 15 अशुद्धि है, तो टाइपिंग स्पीड कितनी होगी, तो आपका ए नंबर होगा 25 शब्द प्रति। चलिए ये थे आपके जीके पार्ट के जितने जो 28 तारीख को क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो इसमें से देखिए कुछ क्वेश्चंस यदि आपको लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए या फिर इसका सही विकल्प कोई दूसरा होना चाहिए, तो आप लोग कॉमेंट बॉक्स पर इसको शेयर कीजिए, और जल्दी ही हम और फिर कुछ नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।